राम राम सभी दोस्तों को। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बैलों को पालने के चार बड़े फायदे। सो प्यारे दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को कर ले सब्सक्राइब, पेज को कर ले फॉलो और वीडियो को करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, क्योंकि गाइज यह बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है हम सभी के लिए। हम सभी को गौवंश को बचाना है और गाइज हमें इनके कुछ फ़ायदे जानने हैं और लोगों को बताना है कि इसके कितने अनगिनत फ़ायदे हो सकते हैं। सो दोस्तों, फ़ायदे नंबर एक की अगर बात की जाए तो आजकल दोस्तों आपको पता ही है कि बहुत सारे बछड़े सड़कों में पड़े मिलते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे नंदी आपको कहीं ना कहीं रास्ते मिल जाएंगे। इसका सबसे बड़ा कारण है दोस्तों कि जैसे ही गाय बछड़े को जन्म देती है, जो फीमेल होती है उसको तो लोग पाल लेते हैं, लेकिन जो मेल होता है उसको लोग पालते नहीं। क्योंकि अभी गाइस पहले क्या होता था, लोग मेल को पालते थे और खूब इनकी सेवा करते थे क्योंकि यह हमारे खेतों में जुताई के काम आ जाता है। लेकिन गाइस जब से मशीनी युग चला, जब से ट्रैक्टर्स वगैरह आए, तब से लोगों ने बछड़ों को पालना बंद कर दिया है। तो अगर आप गाइस बछड़ों को पालेंगे तो यह बैल बनेंगे और हमारे खेत की जुताई भी अच्छे से होगी और गौवंश भी बचेगा गाइस। और जो आजकल काफ़ी हत्याएँ बछड़ों की हो रही है, आपने देखा ही होगा, वो भी उससे भी निजात मिलेगी। सो गाइस फ़ायदा नंबर दो बताने से पहले आपको दिखाता हूँ अपने बैल की कुछ हरकतें। देखिए किस प्रकार की हरकतें यह बैल हमारा कर रहा है। चिढ़ रहा है, मेरे को बोला कि मेरी सेवा करने भी आ। तो देखा देखा आरसी तो कितना चिढ़ रहा है, कितना चिढ़ता है पशु। जैसे आदमी चिढ़ते है ना, जैसे इनको भी चिढ़ होती कि मेरी सेवा करने आ नहीं रहा है, उसकी सेवा कर रहा है। देखो इसको कैसे चिढ़ रहा है ना। देखो आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ तेरे पास भी आ रहा हूँ। देखो कितना प्यार होता है जानवरों को अपने मालिक से। देखो कैसे चिढ़ रहा है। अच्छा आ गया, आ गया। कितने चिड़ू होते बैल भी है ना, कैसे चिढ़ रहा है। देखो मेरे को देख, अच्छा 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 आ गया अब आ गया तेरे पास। सो गाइज बैल रखने का सेकेंड सबसे बड़ा फायदा है कि हमारे खेतों में गोबर की जो खाद होती है वह अच्छे से पूरे के पूरे खेतों में मिल जाती है। क्योंकि गाइस मैक्सिमम लोग आज के समय में बैल तो क्या गाइस गऊओं को भी पालना नहीं चाहते, तो उस वजह से क्या होता है खेत में खाद की कमी पड़ जाती है। तो गाइस अगर आप खेत को अच्छे से खेत से फसल लेना चाहते हैं तो पशुओं को पाले, गऊओं को पाले, बैलों को पाले, उनसे गाइस आपको बढ़िया से गोबर मिल जाएगा और आप अपने खेत में गोबर डाल के आप अच्छी फसल वहाँ से खेत से ले सकते हैं। सो फायदा नंबर तीन है गाइस बैल, अपने बैल रखने का फ़ायदा नंबर तीन। अगर गाइस आपके पास बैल है तो इजीली आप अपने खेतों में अपनी मर्जी के मुताबिक जुताई कर सकते हैं। क्योंकि गाइस जैसे ही बारिश होगी उसके तुरंत बाद आप अपने खेत से जुताई अच्छे से कर सकते हैं। जब मर्जी चाहे आप मन मर्जी मुताबिक अपना कार्य खेतों में कर सकते हैं। आपको किसी को भी बोलने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मेरे खेत की जुताई कर दो या मेरा खेत जोतने को है, या ट्रैक्टर वाले को बोलने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। आप अपनी मर्जी से खेत की जुताई जब मर्जी चाहे तब मर्जी आप कर सकते हैं। तो फ़ायदा नंबर चार है दोस्तों, आप देख सकते हैं जब भी मैं खेत को जोत रहा हूँ तो कितना गहरा यह हल जा रहा है। जो ट्रैक्टर हैंड वाला ट्रैक्टर होता है गाइस वह बिल्कुल ऊपर ऊपर से ही उससे जुताई होती है, उसे एक अच्छी जुताई नहीं हो पाती। तो बैलों को रखने का एक बड़ा फ़ायदा यह भी है, लगभग आपका आधा फुट ज़मीन के नीचे हल जाता है, जिस कारण से गाइस आपकी जो फसल है वो भी अच्छे से आती है और जो नीचे बिना मतलब का खरपतवार खेत में होता है वो भी निकल कर साइड में हो जाता है। तो यह बहुत बड़े बड़े फ़ायदे आज मैंने दोस्तों आपको बताएं। सो उम्मीद करता हूं दोस्तों यह इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बहुत लोगों तक यह जानकारी पहुंच सके। आपसे आगे लेता हुआ मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, हर हर महादेव, भगवान सभी को खुश मस्त और स्वस्थ रखें।